अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन आपका कंफर्ट जोन आपको करने नहीं देता, आपको पता तो है क्या करना है लेकिन आपकी प्रोकेस्टिनेशन, आपकी लेजीनेस, आपका टाल मटोल आपको रोक देता है, तो आप समझिए आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रोकेस्टिनेशन, आपका टाल मटोल, आपका कंफर्ट जोन आप यूं चुटकियों में हटा पाएंगे। पता है कैसे? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसे कमाल के टिप्स, प्रूवन प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी मदद करेंगे कंफर्ट जोन तोड़ने में, प्रोकेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म करने में। और ये जो 7 टिप्स हैं ये मैंने लिए हैं, और इनफैक्ट मैंने नहीं लिए हैं, ये वीडियो का सारा कंटेंट मेरे बेटे सक्षम ने बनाया है फ्रॉम, एंड दिस कंटेंट इज टेकन फ्रॉम एन अमेजिंग बुक जिसका नाम है कांट हर्ट मी, और किताब लिखी है डेविड गॉगिंस ने, एंड डेविड गॉगिंस की लर्निंग, सक्षम की समरी, और मैं अब आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और प्रोकेस्टिनेशन को कैसे छोड़े, कंफर्ट जोन को कैसे तोड़े, इस पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी 3 वीडियो हैं, बट दिस इज एन अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियो, 7 के 7 एकदम अलग यूनिक आइडियाज हैं। लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। देखिए पहला आइडिया, इसको मैंने पर्सनली ट्राई किया, दिस इज अमेजिंग, दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी मिरर। अकाउंटेबिलिटी मिरर, अकाउंटेबिलिटी समझते हैं, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवारी समझ सकते हैं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हैं। तो आप अपने घर के आईने को, अपने मिरर को बना सकते हैं अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, अपने मिरर पे आप कोई पोस्टिट के स्टिकर ले लीजिए या फिर कोई टेम्परेरी मार्कर ले लीजिए, और अपने लाइफ के गोल्स, अपने आज में कौन कौन से काम करते हैं, इस हफ्ते के गोल, मंथली गोल, जो भी आप ट्रैक करना चाहें वो उस मिरर पे लिख दीजिए। लेकिन आपको ये जरूर लिखना है उस मिरर पे कि आज आप क्या अचीव करने वाले हैं, और उसके बाद शाम को जब आप वापस लौटेंगे तो उस मिरर के सामने अपने आप जाइएगा, फिर उसके सामने आप चेक करिएगा जो आपने लिखा था वो आपने किया या नहीं किया, और फिर आपको किसी और को नहीं फेस करना है। आप अपने बॉस को झूठ बोल सकते हो, अपने टीचर को झूठ बोल सकते हो, प्रोफेसर को झूठ बोल सकते हो, किसी और को झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद को झूठ कैसे बोलोगे? तो आईने के सामने आप खड़े हैं, अपने आप से खड़े हैं, सुबह कुछ घंटों पहले आपने वादा किया था आप ABC ये 3 काम करेंगे, अभी कुछ घंटों के बाद आपने वो नहीं किए हैं, आपका लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ डिसिप्लिन, आपको जो जो हो सीधा सीधा उसको फेस करिए, कारण निकालिए, अगर खुद को गाली भी देना है तो दीजिए, लेकिन अपने आप को व्यू करिए, अपने मिरर को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, और रोज का काम रोज करने की धीरे धीरे आदत डाल दीजिए। अब मिरर को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाने के 2 बड़े फायदे हैं। पहली चीज, आप मिरर दिन में 6 बार 4 बार 2 बार जरूर देखते हैं, और अगर आपके मिरर पे ये 2 चीजें लिखी हैं जो आपको आज करनी थी, तो शाम को सोने से पहले आप कम से कम 1-2 बार तो वहां जरूर जाएंगे ही जाएंगे। सो नंबर 1 रीजन व्हाई दिस टेक्निक विल वर्क इज बिकॉज मिरर के पास जाना ऑटोमेटिक है। नंबर 2, जब आप मिरर के सामने खुद को आई टू आई देखेंगे ना, मतलब ये अपने आप को देखना, अपनी आंखों से खुद से आंखें मिलाना, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। यू नो, ये जो सच्चाई है कि आपने ये नहीं किया, ये आपके अंदर उतर जाएगी। आप यकीन मानिए, सिर्फ 7 दिन आप इस टेक्निक को ट्राई करिए, आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। 1 महीना भर कर लिया तो जादू होना शुरू हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यू कर गए फिर यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। ये पहला आइडिया था अकाउंटेबिलिटी मिरर। इस वीडियो में 6 और कमाल के आइडियाज हैं सक्षम और डेविड गॉगिंस की तरफ से, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम अबाउट दिस वीडियो, दिस विल बी ट्रूली अ गेम चेंजिंग वीडियो फॉर यू। एक कमाल की फ्री मास्टर क्लास हो रही है आपकी प्रोकेस्टिनेशन, लेजीनेस, कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए। दूसरी खास चीज है, ये मेरे बेटे की फेवरेट है, डू एनीथिंग यू हेट। आपको ना एक लिस्ट बनानी है उन सब चीजों की जिनसे आप नफरत करते हैं, जो करना आपको पसंद नहीं है, अनकंफर्टेबल लगता है, बेसिकली इट सक्स, यू नो, यू फील अनकंफर्टेबल डूइंग इट। आपको लगता है जिंदगी में बाकी सब ठीक है लेकिन ये नहीं करना मुझे, और फिर आपको अपने आप को रोज चैलेंज करना है एक ऐसा काम करने के लिए जो करना आपको पसंद नहीं है, जिस करने से आप घबराते हैं, जिसको करना आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तकलीफ देता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता है, अगर ये काम कर लिया तो फिर आप अपनी इंडस्ट्री में, अपनी क्लास में, अपनी गेम में, अपनी कंपनी में, अपनी जिस भी पोजीशन में आप हैं वहाँ पे फिर आप टॉप पे पहुँच जाएंगे, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए आज के बाद आपको क्या करना है, रोज अपने आप को चैलेंज करना है एक ऐसा काम करने के लिए जिससे आप नफरत करते हैं। और जब आप ये करते हैं तो इस बात की सबसे बड़ी ब्यूटी पता क्या है,
जो काम आपको मुश्किल लग रहा है यकीन मानिए वो सबको मुश्किल लग रहा होगा, और क्योंकि वो सबको मुश्किल लग रहा है इसलिए उस काम को कोई नहीं करेगा, और जिस काम को कोई नहीं करेगा जो उस काम को करेगा वो टॉप पे जाएगा। और अगर आपने अपने आप को उन मुश्किल कामों को करने की आदत डाल ली देन टॉप पे कौन जाएगा, यकीन मानिए आप जाएंगे। आपकी ज़िंदगी की हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट पता कहाँ छुपी है, उन चीज़ों में छुपी है जो आपको अनकम्फर्टेबल लगती हैं, जो आपको तकलीफ़ देती हैं, और जितना आप उन चीज़ों को ज़्यादा करेंगे उतना आपको आदत होती जाएगी उन चीज़ों को रोज़ करने की। और जैसे जैसे आप ये अनकम्फर्टेबल चीज़ें जिनसे आप नफरत करते हैं, जो पेन देती हैं, तकलीफ़ देती हैं, उनको आप जितना ज़्यादा करते चले जाएंगे उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, पैसे ज़्यादा आएंगे, रैंक ऊपर जाएगा, प्रमोशन होती जाएगी, आप अपने प्रोफेशन में राइज करते जाएंगे। और इस सेकंड पॉइंट की समरी में आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में पसंद नापसंद की गेम से ऊपर उठ जाओ। अगर सच में टॉप पे जाना है ना तो वो करिए जो जरूरी है, तब करिए जब जरूरी है, चाहे वो पसंद हो या नापसंद हो। राइट, ये दूसरा पॉइंट कवर हो गया, जल्दी से बाकी पांच पॉइंट कवर करते हैं। तीसरा, टेक सोल ऑफ योर ओपोनेंट। ये कमाल का है, टेक सोल ऑफ योर ओपोनेंट। देखो जिस भी फील्ड में आप हो, किसी एक इंसान को वहाँ पे अपना कंपटीटर मान लो, अपना ओपोनेंट मान लो। वो आपके टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, साथ में पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो आपके अंदर की फायर को ऊपर उठा दे। और आपका गोल क्या है? गोल है ये आदमी आपसे जो उम्मीद करता है ना, आपको उससे ऊपर करना है। दो शब्द बोल रहा हूँ, गांठ बांध लेना और इन दो शब्दों को पकड़ लेना। योर गोल इज टू आउट वर्क एंड आउट परफॉर्म योर कंपटीशन। आउट वर्क एंड आउट परफॉर्म योर कंपिटिशन। हमारा लक्ष्य है हमारा ओपोनेंट हमें वो करते हुए देखे जो वो सपने में कभी सोच भी नहीं सकता। और आपको जिंदगी में आज तक कितनी भी हेट मिली है, कितने भी बैड कॉमेंट्स मिले हैं, नेगेटिविटी मिली है, जेलसी मिली है, उस सबको शक्ति बना लीजिए और उसको यूज करिए इस कॉम्पोनेंट को आउट वर्क और आउट परफॉर्म करने में। चौथी कमाल की चीज़, ये बेमिसाल है, इसे बोलते हैं आर्मर्ड माइंड। आर्मर्ड माइंड, आर्मर्ड समझते हो, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर ना एक बुलेट प्रूफ शील्ड जैसी लगा दी गई है। तो आपके माइंड को हम बुलेट प्रूफ बनाना चाहते हैं। देखिए, पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आप बुरे हालातों से कई बार गुजरे हैं, कई बार आप सरवाइव किए हैं। यू हैव बीन थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स मैनी टाइम्स। और जब जब इन मुश्किल हालातों में अपने आप को आपने पुश किया है, आपने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। एक लाइन है, डेविड गॉगिंस की लाइन है, इसी किताब से हमने पढ़ी है। सक्षम ने खासतौर पे हाईलाइट करके ये लाइन मुझे बताई, इट्स इम्पॉर्टेंट टू पुश हार्डेस्ट व्हेन यू वांट टू क्विट द मोस्ट। जब तुम्हें लगे ना यार अब नहीं हो पाएगा और अब मुझे छोड़ देना चाहिए, उस समय जब आप पुश करते हो ना, देन ये जो आपका माइंड है ना, ये आर्मर्ड हो जाता है। फिर ये ऐसा हो जाता है कि इसे कोई छू भी नहीं सकता है। आपको करना क्या है, अपने माइंड को आर्मर्ड बनाने का एक बड़ा कमाल का तरीका है, आप एक लक्ष्य चुन लीजिए जो भी आपके दिल के करीब है, और उस लक्ष्य को पूरा करते समय कौन कौन से ऑब्स्टेकल आएंगे, मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उनके बारे में भी सोचना शुरू करिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको विजुअलाइज करना है। क्लोज योर आईज एंड जस्ट विजुअलाइज कि आपने वो गोल पूरा कर लिया और उस एक एक चुनौती को आप बीट करते चले जा रहे हैं, उसके ऊपर आप विजय पाते चले जा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली यू गेट योर गोल। और जब आपका माइंड, आपकी न्यूरोलॉजी, आपका सबकॉन्शियस माइंड रोज ये विजुअलाइज करेगा, उन मुश्किलों को रौंदते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं ना, देन दिस माइंड विल बिकम armored and will face everything beautifully. इस वीडियो में 7 पॉइंट मैं कवर करने वाला हूं जो आपके कंफर्ट जोन तोड़ने में आपकी मदद करेंगे। 4 हो चुके हैं, 3 और बचे हैं, तीनों बेहद आसान है, एक एक मिनट में कवर करता हूं, आप जरूर लास्ट तक सुनिएगा। 5वें पॉइंट को हम बोलते हैं कुकी जार। कुकी जार, मैं नहीं बोलता हूँ, डेविड गॉगिंस ने बोला है कुकी जार। वो क्या बोलते हैं, एक कुकी जार लीजिए, मतलब एक ऐसा जार जिसमें कुकीज या बिस्कुट रखते हैं आप। आपने जब भी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर लिया, आपकी कोई बड़ी छोटी कोई विक्ट्री है, कोई अचीवमेंट है, कोई मेडल मिला, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने कोई अच्छा काम किया जिससे आपको अच्छा फील हुआ, उन सबको एक छोटी स्लिप पे लिख दीजिए और उस कुकी जार में डालते जाइए और उस जार को भरते चले जाइए। हर एक जीत, हर एक अचीवमेंट, हर एक अच्छा काम एक बिस्किट, एक कुकी के बराबर हो गया, और आपका काम है उस कुकी जार को भरते चले जाना। जब आप डाउन होंगे, जब आप मुश्किल में होंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा, क्या करना है आपको, बिस्किट खाने हैं आपने बस, तो उस कुकी जार को खोलिए, एक एक स्लिप खोलते जाइए, पढ़ते जाइए, खोलते जाइए, पढ़ते जाइए। एक एक कुकी है ना, एक एक बिस्किट, एक एक पेपर की जो स्लिप है, ये आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगी और आपको एग्जॉशन, डिप्रेशन, पेन, सेटबैक, उन सबसे ऊपर आने के लिए मदद करेगी। तो ये 5वीं टेक्निक है, इसे बोलते हैं कुकी जार। छठा
एक कमाल का रिमाइंडर है जो आपको याद रखना है। वी कॉल इट 40% रूल। 40% रूल, 40% का सिद्धांत। हम में से अधिकांश लोग जब गिव अप करते हैं ना, जब क्विट मारते हैं, और उस वक्त हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हम ना बस अब थक गए, हमने अपना 100% कर दिया, यकीन मानिएगा आपने उस समय अपना 100% नहीं किया है, आपने अभी तक अपने पोटेंशियल का सिर्फ 40% यूज किया है। एंड 60% इज स्टिल लेफ्ट टू गिव, 60% इज स्टिल लेफ्ट टू गिव। और जैसे आप अपने माइंड को ये रिमाइंड करा देते हो कि बॉस अभी 40 हुआ है, 60 तो अभी बाकी है, तो देन यू विल अनलॉक न्यू लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, न्यू लेवल ऑफ एक्सीलेंस। तो जब थक जाओ, याद रखना और याद दिलाना खुद को कि अभी 40% का काम हुआ है। सातवां और आखिरी, ये बेहद खास है उन लोगों के लिए जो अनकॉमन बनना चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। इस रूल को समझिएगा, बिकम अनकॉमन अमंग अनकॉमन्स। खास लोगों में सबसे खास कैसे बने? अब इसका सिद्धांत जो है वो बड़ा बेमिसाल है, इसको समझना। आपको अच्छे कामों को, अपनी मोमेंटम को, अपनी स्पीड को लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक बनाए रखना है, क्योंकि आजकल अच्छा तो सब कर लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा वो करता है जो अच्छे को कई महीने, कई सालों तक लगातार कंटिन्यू रखता है। आपके अपने कुछ ओल्ड बिलीफ हैं, आपके कुछ अपने न्यूरल पाथवेज हैं, आपका एक सोचने का तरीका है, नजरिया है, उसके अनुसार जहाँ तक आप जा सकते हैं जाइए, और वो आपको अनकॉमन बना देगा। लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाएँ तो उसके बाद से फिर नए गोल के अनुसार सोचना शुरू करिए, नया माइंडसेट, नया बिलीफ, नए टूल्स, नए आइडियाज, नए एक्सपीरियंस के साथ, और काम करिए ताकि आप क्या बने, अनकॉमन तो आप पहले ही थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो पहले ही थे, नाउ यू विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमंग पीपल हु आर ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये 7 अलग अलग टिप्स थे, 7 अलग अलग तरीके हैं जिससे आप प्रोकास्टिनेशन को, कंफर्ट जोन को तोड़ सकते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी एक चीज है जो आज के बाद आप हमेशा यूज करेंगे, और ये एक ऐसा वीडियो है जिसको आप अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि जिंदगी में ना लोगों के पास टैलेंट बहुत है दोस्त यार, सब करना चाहते हैं, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अटक जाते हैं प्रोकास्टिनेशन की वजह से, लेजीनेस की वजह से, कंफर्ट जोन की वजह से। ये वीडियो उनकी मदद कर सकता है कंफर्ट जोन, उनका कंफर्ट जोन तोड़ने में। तो शेयर दिस वीडियो विद एवरीबॉडी यू नो ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्टोरीज, टेलीग्राम, वेयर एवर यू कैन, सो दैट वी कैन क्रिएट मोर अचीवर्स, और लोगों को अपना टैलेंट बाहर निकालने में आप मदद कर पाए। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी एट द टॉप। चमकते रहिए।